Good morning, everyone. I'm your host. You are watching your favorite show, Futuristic Enthusiast. यार आज हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल, उसकी ट्रैकिंग कर रहा हूँ। हम लेके जाओ काजू बादाम। पापा यू कैन गो देयर, सॉरी वेन वी कैन राइड। ये सब आपने बनाई है भैया? अबाहिन शायद उन्होंने फोन आवा। नाम क्या भैया आपका? नंबर वाला जी। नाम? सनी। सनी, यहाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है यार आपने। क्या प्राइस भी इनका? ये जो बड़ी वाली बना रहे हो? थैंक यू। मनाली में स्थित हिडिम्बा देवी मंदिर की गाथा बताई जाए तो यह कुछ इस प्रकार है कि हिडिम्बा मंदिर पांडवों के दूसरे भाई भीम की पत्नी हिडिम्बा को समर्पित है। हिडिम्बा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिम्ब के साथ इस क्षेत्र में रहती थी। उसने कसम खाई थी कि जो कोई उसके भाई हिडिम्ब को लड़ाई में हरा देगा वह उसी के साथ अपना विवाह करेगी। उस दौरान जब पांडव निर्वासन में थे तब पांडवों के दूसरे भाई भीम ने हिडिम्ब की यातनाओं और अत्याचारों से ग्रामीणों को बचाने के लिए हिडिम्ब को मार डाला और इस तरह महाबली भीम की शादी हिडिम्बा से हो गई। भीम और हिडिम्बा का एक पुत्र घटोत्कच हुआ जो कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के लिए लड़ते हुए मारा गया। देवी हिडिम्बा को समर्पित यह मंदिर हिडिम्बा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण हिमालय पर्वतों के कगार पर डुंगरी शहर के पास एक पर्वत देवदार के जंगलों के बीच में कराया गया है। माना जाता है कि भीम और पांडव मनाली से चले जाने के बाद हिडिम्बा राज्य की देखभाल के लिए वापस आ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि हिडिम्बा बहुत दयालु न्यायप्रिय शासिका थी। जब उसका बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ तो हिडिम्बा ने उसे सिंहासन पर बिठा दिया और अपना शेष जीवन बिताने के लिए ध्यान करने जंगलों में चली गई। हिडिम्बा अपनी दानवता या राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर तपस्या करती रही। कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी प्रार्थना सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हिडिम्बा देवी की तपस्या और उनके ध्यान के सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था। मंदिर एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है। मंदिर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालु हिडिम्बा देवी के दर्शन पूजन के लिए आने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है हिडिम्बा देवी टेम्पल, ठीक है, जो भीम की वाइफ का नाम है। यहाँ पे घटोत्कच टेम्पल भी है। तो मैं मनाली में पहुँचा हूँ सुबह के टाइम 4:30 बजे। बस वाले को पता ही नहीं यार क्या हो गया था भाई साहब। वो जब बस चला रहा था ना, उसको पहुँचाना था सुबह 6:30 बजे, तो भाई ने बस का बना दिया था हेलीकॉप्टर, तो वो पहुँचा दिया उसने 4:40 पे ही। उस वजह से मुझे बस स्टैंड पे रहना पड़ा। फिर मैं अपना होटल चेक इन किया मैंने सुबह, और होटल चेक इन करने के बाद मैं रहा हूँ इस बार होटल में। ये आपका होटल हैवन वेजिटेरियन, ठीक है। तो मैं वहाँ से आया हूँ ट्रैक करके। वैसे ऑटो भी था यहाँ पे आने के लिए हिडिम्बा देवी टेम्पल के लिए, पर मैंने लिया ट्रैकिंग का रास्ता जो कि सीढ़ियों से था। हिडिम्बा देवी मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में कराया गया है, जिसके कारण यह सामान्य मंदिरों के काफ़ी अलग और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर लकड़ी से बनाया गया है और इसमें 4 छतें हैं। मंदिर के नीचे की 3 छतें देवदार की लकड़ी के तख्तों से बनी है और चौथी या सबसे ऊपर की छत का निर्माण
तांबे एवं पीतल से किया गया है। और तुम यहाँ पे पहुँचा हो प्रयाग मनाली में, सच में यार बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड का माहौल तो मतलब यह है कि धूप आ रही है पर अपने तक नहीं आ रही, ऊपर ही ऊपर तक चली जा रही पेड़ों पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, इतने सारे पेड़ हैं। पर ये मेरे सामने है हडिम्बा देवी टेम्पल। क्या हाल है भाइयों, अब यार यहाँ से देखूँगा कहाँ पे जाते हैं, पहले तो कुछ खाएंगे, भूख लगी है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह बस चाय पी थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं उतरा था और उतरने के बाद ही भाई साहब कप कप ही छूट गई थी मेरी, तो इतनी ज़्यादा वो थी ना। और आप यहाँ पे देखोगे ना तो हिमाचली ट्रेडिशन में बहुत सारे ये फूल रखे हैं बकेट में, जैसे पीछे टांगते हैं, हिमाचली ड्रेसेस सब फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। और जैसी वैसे पे तो मतलब यहाँ पे ट्रेडिशन है, मतलब खरगोश वरगोश लेके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जिनके मतलब चार्जेस हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ आपको, जैसे ये पहन रखे हैं इन्होंने, ये देखो इनका फ़ोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिशन पहन के, जैसे ये हिमाचली है, ठीक है। तो जो भी कपल्स हैं वो आ रहे हैं अपने ड्रेसेस पर पहन रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका हडिम्बा देवी टेम्पल, ये मैं इसके बैक साइड में खड़ा हूँ इस समय, ठीक है। पर यार ठंड तो सच में है, ये अक्टूबर का टाइम है रिसेंटली नया नया, तो चलो थोड़ा सा मंदिर भी देख लें, खुद को तो बहुत देख लिया। हडिम्बा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों की बनी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाज़ा लगा है जिसके ऊपर देवी, जानवरों आदि की छोटी छोटी पेंटिंग की। मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है लेकिन उनके पदचिन्ह पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है जिसे देवी का विग्रह रूप मानकर पूजा की जाती है। मंदिर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर देवी हडिम्बा के पुत्र घटोत्कच का एक मंदिर है जो घटोत्कच को समर्पित किया गया है। इसी के साथ हडिम्बा देवी टेंपल से करते हैं साइन ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में। फोटोस्टिक एंथुसियास्ट फॉलो कर लें।